Bingo! देखिए क्या है कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने अपने इस करियर में टेलीविज़न किया, मैंने फिल्में की, रीजनल सिनेमा किया, अंग्रेज़ी सिनेमा किया, गुजराती फिल्में की, मराठी फिल्म की, मैंने हर चीज़ ट्राई की। एक चीज़ रह गई थी और वो था थिएटर। और मैं हमेशा जब भी किसी को प्ले देखने जाता था मैं बहुत इंस्पायर होता था और मैं सोचता था कि कोई काश कोई ऐसा सब्जेक्ट आए कि मैं भी अटेम्प्ट करूँ, मैं भी हिम्मत कर सकूँ स्टेज पर काम करने की। मैं एक करेक्ट राइट रोल के लिए हमेशा इंतज़ार करता रहा कि भैया कोई ऐसा रोल आए कि जिसको सुनने के बाद बिल्कुल मैं इंस्पायर हो जाऊं कि हाँ यार ये चीज़ जो है ये मुझे करनी चाहिए। एंड चार्ली टू का जैसे कंवल जी जो हैं, तो हमारे जो राइटर हैं, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं हमारे इस प्ले के, ये हमारे मेरे बड़े पुराने फैमिली फ्रेंड हैं। मेरे छोटा भाई था उसके दोस्त थे ये, और मेरे घर में भी आना जाना इनका लगा रहता था हमेशा। मतलब इन्होंने अपनी काफ़ी जवानियाँ मेरे घर में गुजारी है। तो इन्होंने मुझे सब्जेक्ट सुनाया कि भाई जी एक सब्जेक्ट है वो आप सुनिए। मैंने सुना, जैसे मैंने ये सब्जेक्ट सुना बोला यार ये फिल्म है कि क्या है? बोले नहीं ये एक थिएटर प्ले, मैं प्ले करना चाहता हूँ। तो आई सेड यार दिस इज़ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। इसी चार्ली टू एक मतलब एक बहुत रेयर होता है कि किसी एक्टर को एक ही वक्त पे एक ही टाइम एक ही वक्त स्टेज के ऊपर दो मुख्तलिफ रोल्स निभाने का अवसर मिले, मौका मिले। और मेरे साथ यही हुआ। और ये चार्ली जो है ये एक ड्रीम रोल है किसी भी एक्टर के लिए। अगर ये कोई भी एक्टर इसे कर जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया या मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक ऐसा रोल है कि कोई भी एक्टर इस रोल को सुन के इंस्पायर हो जाएगा करने के लिए इस प्ले को। और बहुत ही खूबसूरत, सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है कि ये बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही सरल तरीके से एक बहुत ही सीरियस बात को समझाने की कोशिश की। यू नो एक ऐसा मैसेज है कि भैया अगर एक इंसान के अंदर अच्छाई रह सकती है तो उसके अंदर बुराई भी रह सकती है, अगर उसके अंदर ममता रह सकती है तो करुणा भी रह सकती है, अगर उसके अंदर क्रोध भी रह सकता है और घृणा भी रह सकती है। एक इंसान कभी भी जो भी इंसान होता ना वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। उसमें कोई ना कोई खामियाँ होती हैं जो समाज के लिए खामियाँ होती हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर होता है। ये हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है और चार्ली के अंदर वो हर गुण हैं या अवगुण हैं जो एक एक्टर को करने को मिल रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने के लिए। आई एम थरली इंजॉयिंग। मुझे अरसे के बाद मुझे एक ऐसी चीज़ करने का मौका मिला है कि मैं जिससे इंस्पायर होकर कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मतलब जिस दिन चार्ली का शो होता है मैं सुबह उठते से एक बहुत ही फैंटास्टिक फीलिंग जैसी रहती है कि आज मैं चार्ली परफॉर्म करने वाला हूँ। और जब भी मैं थिएटर में आता हूँ तो मेरा मैं जो सोच रहा था बिल्कुल सही पड़ता है। आई एम सॉरी, मुझे फ़ोन ऑफ कर देना चाहिए। वन मिनट प्लीज। आई जस्ट, तो मेरे लिए चार्ली इज़ अ जर्नी विच इज़ नॉट रियली द कल्मिनेशन ऑफ माई जर्नी, बट इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी ऑफ एन एक्टर ऑन स्टेज।
एंड आई हैव थरली इंजॉयड दिस एक्सपीरियंस. इतना ही इंजॉय किया है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे थिएटर के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए था. ये मैंने थिएटर मैंने पहले क्यों नहीं किया, मैं हमेशा सोच मतलब आज मुझे ये फीलिंग आती है कि मुझे ये थिएटर पहले करना चाहिए था, मैंने पहले ये थिएटर क्यों नहीं किया. तो ये फीलिंग मुझे दी है चार्ली ने. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू कमल हु इज अ फैमिली फ्रेंड हु इज लाइक अ ब्रदर टू मी कि फॉर हैविंग कंसिडर्ड मी टू डू चार्ली. ही हैड द फेथ एंड द बिलीफ कि मैं कर पाऊंगा. आई विल बी बिकॉज इट्स ये एक आसान रोल नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स रोल है, एक डिफिकल्ट रोल है करने के लिए. और उसे निभाने के लिए जो फेथ मुझे कमल ने मुझ पर रखा है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू कमल एंड थैंक्स अ लॉट. मैं उस कमल से कहूँगा थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर एंड आई एम थरली इंजॉइंग डूइंग चार्ली टू. थैंक यू कविता.
अभी जाइए यहाँ पे। हाँ जी यहाँ पे सर यहाँ पे सर। हाँ चलो सर यहाँ पे सर सामने सर सर हम बहुत ठीक है सर आप कैसे हो सर सर इधर सर सर सामने सर सामने यहाँ पे सर सर जस्ट होल्ड अरे यार पहले बता दो तो जनरल पॉलिटिक्स फलाना।